हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। उसकी पोस्ट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 27 जुलाई एंड एंडिंग डेट है 16 अगस्त 2020। देखो, ये वैकेंसी की लिस्ट है स्टेट वाइज, और उसमें भी जो सर्कल के लिए अवेलेबल है वैकेंसीज, उसी की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 3850 है। क्लियर? अभी डिटेल इंफॉर्मेशन में हम बात करें तो कौन सी पोस्ट के लिए है? सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई टू 16 अगस्त। फॉर्म फिलिंग मेथड, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। कौन सी वेबसाइट है? तो देखो, यहाँ पे वेबसाइट है www.sbi.co.in/careers। ये वेबसाइट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 अगस्त है, और फी पेमेंट कैसे करना है आपको? ओनली ऑनलाइन, ठीक है? पोस्ट ऑफिस या कोई भी मेथड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। अभी हम डिटेल में फीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज है, एंड एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नो फीस, ठीक है? एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? सबसे पहले तो क्या है, एनी ग्रेजुएट्स, ठीक है? अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी ग्रेजुएट्स कंपलसरी है। दूसरी, गुड सिविल स्कोर, ठीक है? ये भी देखो, इसमें ये भी मायने रखता है। अगर आपने कहाँ से भी लोन लिया है, ठीक है, तो वो आपके सिविल स्कोर में, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मतलब आप टाइम टू टाइम उसका ईएमआई पे करते हो, उसका मतलब ये हुआ। फिर नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। और अभी देखो, ये लास्ट दो चीजें बहुत आईएमपी है, एक्सपीरियंस। देखो, इसमें एक्सपीरियंस भी पूछा है, ठीक है? मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी शेड्यूल्ड बैंक। और रीजनल रूरल बैंक एज एन ऑफिसर, कोई भी बैंक में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज एन ऑफिसर, ठीक है? और लास्ट चीज है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? मतलब आपने 10th और 12th में आपने कंपलसरी अपने स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज में ही पास किया हुआ होगा, क्लियर? तो वो लैंग्वेज आपकी मार्कशीट में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, क्लियर? अभी देखो, अगर हम एज की बात करें, ठीक है, तो एज लिमिट है 30 इयर्स, ठीक है? मतलब आप 2nd अगस्त 1990 से पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 ईयर, और पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 15 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम बात करें सिलेक्शन मेथड। देखो, सिलेक्शन मेथड क्या है कि इसमें एक चीज बेनिफिट्स है, कौन सी? एग्जाम नहीं है, ठीक है? पहली बार, इफ यू आर एलिजिबल विथ गिवन क्राइटेरिया। देखो, आगे जो भी क्राइटेरिया हमने देखे, अगर आपके क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हो तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और देखो, लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा हुआ है कि एग्जाम विल बी अरेंज इफ रिक्वायर्ड, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो वो एग्जाम भी अरेंज करेंगे, क्लियर?
देखो अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको अपलोड करने हैं, ठीक है? पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वो भी साइज दिया हुआ है, फोटो है वो 10x15 KB, सिग्नेचर है 15x20 KB। फोटो और सिग्नेचर JPG में होना चाहिए, ठीक है? बाकी सारे आईडी प्रूफ PDF चाहिए, और वो भी साइज उसकी 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, रिज्यूम, 10th और 12th मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर अवेलेबल है, ठीक है? अगर आपने कोई मास्टर्स किया हुआ है, CA है, MBA है, वो कुछ भी किया है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड फॉर्म नंबर 16 एंड सैलरी स्लिप, क्लियर? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम के रिक्वायरमेंट्स रहेगी। देखो अभी सैलरी कितना है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग सैलरी है 23,700 प्लस 1 इंक्रीमेंट, क्लियर? और इसमें आप अलाउंस के लिए एलिजिबल है, DA HRN अदर अलाउंसेस जो भी है वो आपको देंगे। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इसकी डिटेल, ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट मैंने दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।